गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आपको छठवीं कक्षा की क्लास सिक्स की हिंदी की बुक पढ़ाने जा रहा हूँ। पाठ पाँच छुट्टी के दिन मेहमानों के बच्चे आते लेकर अपने सपन सलोने, बचा न पाते खेल खजाने, फटी किताबें खत्म खिलौने, गजब मुसीबत ढा जाते हैं छुट्टी के दिन, क्या क्या खेल खिलाए जाते हैं छुट्टी के दिन। कवि कहता है कि छुट्टी के दिन मेहमानों के बच्चे आते हैं और घर के बच्चों के साथ खेलते हैं, खेलते समय किताबें फट जाती हैं, खिलौने टूट जाते हैं, इस प्रकार सब कुछ ख़त्म हो जाता है, गजब मुसीबत छा जाते हैं छुट्टी के दिन। मेहमान के बच्चे आकर के छुट्टी के दिन गजब मुसीबत, गजब परेशानी ढा जाते हैं, क्या क्या खेल खिलाए जाते हैं छुट्टी के दिन। हरी सब्जियां पीछे दौड़ी, खरबूजे तरबूजे मचले, घर के बच्चों को हरी सब्जियां खाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। खरबूजे तरबूजे मचले, सेब संतरे गायब हो गए, घर के बच्चे खरबूजे खा जाते हैं, तरबूजे खा जाते हैं, तथा घर से सेब संतरे सब कुछ गायब हो जाते हैं। आम और लीची आगे निकले, शरबत सूख बरसा जाते हैं छुट्टी के दिन, छुट्टी के दिन लोग शरबत पीना पसंद करते हैं, इस प्रकार लोग छुट्टी के दिन शरबत का आनंद ज़्यादा से ज़्यादा लेते हैं। क्या क्या खेल खिलाए जाते हैं छुट्टी के दिन। हरी सब्जियां पीछे दौड़ी, खरबूजे तरबूजे मचले, सेब संतरे गायब हो गए, आम और लीची आगे निकले, शरबत सूख बरसा जाते हैं छुट्टी के दिन, क्या क्या खेल खिलाए जाते हैं छुट्टी के दिन। पैसे अगर पास में हो या घर से मिल जाए मंजूरी, पर्वत सैर सपाटा, पहुँचे नैनीताल मंसूरी, बर्फ बरसा जाते हैं छुट्टी के दिन, क्या क्या खेल खिलाए जाते हैं छुट्टी के दिन। कवि क्या कहता है कि अगर पास में पैसे हो और घर की मंजूरी मिल जाए तो छुट्टी के दिन पर्वत पर्वत पर हम लोग सैर सपाटा करें और नैनीताल मसूरी जाकर घूमें और नैनीताल मसूरी का आनंद लें, पर्वत पर चढ़ने का आनंद लें। कब? यदि पैसे पास में हो और घर की मंजूरी मिल जाए। बर्फ़ बरसा जाते हैं छुट्टी के दिन, क्या क्या खेल खिलाए जाते हैं छुट्टी के दिन। बदली बरसी मौसम बदला, बहते अब समीर के झोंके, गली गली में खेल गूंजते, मिले मौज मस्ती के मौके। जब छुट्टी के दिन बदली बरसी, बादल से पानी बरसता है, मौसम के बदलने पर बादल से पानी बरसता है और समीर और हवा बहनी शुरू कर देती है, तब बच्चे गली गली में खेल खेलना शुरू करते हैं, गली गली में खेल गूंजने लगते हैं। मौसम के बदलने पर गली गली में खेल गूंजने लगते हैं और इस प्रकार बच्चे अपनी मौज मस्ती में खो जाते हैं, आज़ादी दिलवा जाते हैं छुट्टी के दिन। छुट्टी के दिन बच्चों को आज़ादी दिलवाते हैं, क्या क्या खेल खिलाए जाते हैं छुट्टी के दिन, और इस प्रकार छुट्टी के दिन बहुत सारे खेल खिलाए जाते हैं। बदली बरसी मौसम बदला, मौसम के बदलने पर जब बदली बरसने लगती है और हवा बहना शुरू करता है तब बच्चे गली गली में खेलना शुरू करते हैं, इस प्रकार गली गली में खेल गूंजने लगता है। मिले मौज मस्ती के मौके, बच्चों को मौज मस्ती का मौका मिल जाता है, आज़ादी दिलवा जाते हैं छुट्टी के दिन, क्या क्या खेल खिलाए जाते हैं छुट्टी के दिन। यहाँ से यहाँ तक आपका पूरा पढ़ाया गया। अब आप अपनी कॉपी खोल लें और कॉपी के ऊपर आप क्या लिखेंगे छुट्टी के दिन, कॉपी के ऊपर आपको लिखना है छुट्टी के दिन, आज की तारीख डालेंगे सितंबर 29, 2020, पाठ पाँच छुट्टी के दिन। क, निम्नलिखित प्रश्नों के का उत्तर दीजिए। प्रश्न एक, छुट्टी के दिन मेहमानों के बच्चों के आने पर घर के बच्चों का क्या नुकसान होता है। प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर, मेहमानों के बच्चों के आने पर
घर के बच्चों की किताबें फट जाती हैं तथा खिलौने टूट जाते हैं। घर के बच्चे अपने खिलौने तथा किताबें नहीं बचा पाते हैं। तो आप कॉपी के ऊपर क्या लिखेंगे? सितंबर 29, 2020 आप ये डेट डाल लें। पाठ 5 छुट्टी के दिन, यहाँ से लेकर के पूरा आप यहाँ तक लिखेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए पूरा। फिर प्रश्न 1 पूरा आप यहाँ तक लिख लें, मैं रुका हुआ हूँ। नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए। प्रश्न 2, छुट्टी के दिन बच्चे क्या खाने को विवश हो जाते हैं? छुट्टी के दिन बच्चे क्या खाने को विवश हो जाते हैं? उत्तर, छुट्टी के दिन बच्चे हरी सब्जियां खाने को विवश हो जाते हैं। प्रश्न 3, छुट्टी के दिन बच्चे कौन कौन से फलों को खाने के लिए मचल जाते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर, छुट्टी के दिन बच्चे खरबूजे, तरबूजे, सेब, संतरे, आम और लीची आदि फलों को खाने के लिए मचल जाते हैं। प्रश्न 2, प्रश्न 3 यहाँ तक आप लिख लें, मैं रुका हुआ हूँ। प्रश्न 4, गर्मी में सुख कौन बरसाता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। गर्मी में सुख शरबत बरसाता है। गर्मी में सुख कौन बरसाता है? गर्मी में सुख शरबत बरसाता है। यहाँ से आप यहाँ तक लिखेंगे, मैं रुका हुआ हूँ। नेक्स्ट 5, नैनीताल और मसूरी का आनंद कब लिया जा सकता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर, जब पैसे पास में हो तथा घर वालों की मंजूरी मिल जाए तो नैनीताल और मसूरी का आनंद लिया जा सकता है। यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है, मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट प्रश्न 6, छुट्टी के दिन गली गली में खेल कब गूंजने लगते हैं? क्वेश्चन मार्क, छुट्टी के दिन गली गली में खेल कब गूंजने लगते हैं? उत्तर, बादल के जल बरसाने पर गली गली में खेल गूंजने लगते हैं और बच्चों को मौज मस्ती के मौके मिल जाते हैं। यहाँ से यहाँ तक आप लिखेंगे, मैं रुका हुआ हूँ। अब आपको ध्यान देना है, आज 1 to 5 आपको प्रश्न उत्तर करवाए गए हैं, इसे आपको अपने कॉपी में लिखना है और प्रश्न के उत्तर को लर्न करना है। मात्रा पर ध्यान देते हुए आपको लर्न करना है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी आपका नेक्स्ट टर्न पर अपने समय का सही प्रयोग करें, प्रश्नचित रहें, खुश रहें और माता पिता की आज्ञा का पालन करें। दैट्स ऑल।